मत मध्वो धव तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का सनातन अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर एकमात्र आनंद की ही खोज कर रहा है,
किंतु अभी तक वास्तविक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं कर सका। शास्त्रों वेदों ने बताया कि उस आनंद की प्राप्ति के लिए ईश्वर को जानना होगा, लेकिन ईश्वर प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। उसका ज्ञान केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है। अतएव उसकी कृपा को पाने के लिए हमें उसके शरणागत होना पड़ेगा, और शरणागति मन को ही करनी होगी। और मन चूंकि संसार में आसक्त है, इसीलिए सर्वप्रथम मन को संसार से विरक्त करना होगा, और एतदर्थ संसार के स्वरूप पर गंभीर विचार करना होगा कि संसार में ब्रह्मलोक तक न कहीं सुख है और न कहीं दुख है। तब हमारा मन संसार से राग द्वेष रहित होगा। लेकिन ऐसा राग द्वेष रहित मन भी स्वयं ईश्वर के शरणागत नहीं हो सकता। उसे एक श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की सहायता की आवश्यकता पक पक पर होगी। अतएव महापुरुष के विषय में भी बहुत विस्तार से आप लोगों को समझाया गया, और महापुरुष को कैसे पहचाना जाए वो सब तरकीबें भी कुछ आपको बताई गई। पश्चात आपको बताया गया कि ईश्वरीय शरणागति के तीन मार्ग कहे जाते हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। लेकिन वस्तुतः भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, क्योंकि भक्ति के बिना न कर्म से हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है और न ज्ञान से लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। भक्ति रहित कर्म केवल स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, जो माया की ही एक क्लास की जेल है, और जहां से लौटने पर फिर कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ता है। और भक्ति रहित ज्ञान केवल आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंचा सकता है, लेकिन ये आत्मज्ञान हमको माया से छुटकारा नहीं दिला सकता। उसके लिए वेद का चैलेंज है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 8वां मंत्र। अर्थात भगवान को जान करके ही माया निवृत्ति होगी, और कोई मार्ग नहीं है। और भगवान का ज्ञान केवल भक्ति से ही होता है। इसीलिए कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी इत्यादि जितने भी हैं, उन सबको भक्ति की ही शरण लेनी पड़ती है। इसलिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। भक्ति के विषय में आपको बताया गया कि भक्ति भगवान की सबसे अंतरंग शक्ति का नाम है, और ये किसी साधन से प्राप्त नहीं होती। ये एकमात्र किसी वास्तविक रसिक महापुरुष की कृपा से ही मिलती है। लेकिन उस कृपा को पाने के लिए हमको अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा, और अंतःकरण शुद्धि के लिए साधना भक्ति अनिवार्य है। अतएव साधना भक्ति के लक्षणों का निरूपण करते हुए आपको ही बताया गया कि साधना भक्ति करने वाले को तीन शर्तों को पूरा करना होगा। नंबर एक, मोक्ष पर्यंत की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा। नंबर दो, ज्ञान, कर्म, तपश्चर्या आदि का आवरण भक्ति पे न होने पाए, ये ध्यान रखना होगा। और तीसरी शर्त आपको बताई गई कि भगवान की भक्ति नहीं करनी है, लेकिन भक्ति भगवान की ही करनी है। इस विरोधाभास का समन्वय किया गया, और आपको ही बताया गया कि हमको श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, खाली भगवान ही नहीं, ये स्वयं भगवान है। एते चांश कलाह पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। अवतारा असंख्याताः कथिता मेतवाग्रतः परम सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पद्म पुराण। अर्थात श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसीलिए अगर हम उनकी भक्ति करते हैं तो हम भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी भक्ति करके, ये भी ठीक है, क्योंकि उन श्री कृष्ण का एक अंश है भगवान, यानी उनके अंदर जो भगवत्ता है उसको उन्होंने एक रूप दे दिया, जिनको महाविष्णु कहते हैं। अब जब वो भगवत्ता निकल गई तो उन स्वयं भगवान श्री कृष्ण में केवल माधुर्य ही माधुर्य है। इसीलिए हमें उनकी भक्ति करनी है। वो भगवान भी है, लेकिन उनकी भगवत्ता से हमको कोई मतलब नहीं। अब बचे केवल श्री कृष्ण प्योर माधुर्य युक्त, हमें उनकी भक्ति करनी है। और कैसे करनी है, तो आपको बताया था कि उनको अपना स्वामी मानना है, सखा मानना है, पुत्र मानना है और प्रियतम मानना है।
यद्यपि शांत भाव भी होता है, लेकिन शांत भाव को ब्रज में प्रवेश नहीं, इसीलिए इन चार भावों में ही हमको रहना है। दास्य सख्य वात्सल्य एवं माधुर्य। तो दास्य भाव में तो बहुत मर्यादाएं हैं जिनका पालन बड़े बड़े योगी लोग भी नहीं कर सकते। सख्य भाव में मर्यादाएं बहुत अधिक सिकुड़ जाती हैं, बहुत कम मर्यादा रहती है। जहां दास के लिए ऐसी मर्यादा कि जहां जहां स्वामी का चरण पड़े वहां दास का सिर पड़ना चाहिए, वहीं सखा ठाकुर जी के कंधे पर बैठता है, अपने पैर की एड़ी से उनके पेट में धक्का मारता है, बड़े बड़े अधिकार सखा को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस सखा से भी करोड़ों गुना अधिकार वात्सल्य भावमयी यशोदा आदि को प्राप्त है, यानी वात्सल्य में करोड़ों गुना अधिक सौरस्य है। कल मैंने सख्य भाव और वात्सल्य भाव का आप लोगों के समक्ष कुछ वर्णन किया था, यानी वो वात्सल्य भाव का प्रेम इतना बड़ा है, इतना अधिकार है कि उसमें कि यशोदा श्री कृष्ण को उखल तक में बांधने का अधिकार रखती है। यहां तक बात है। एक बार मैया दही मथ रही थी, ठाकुर जी को सुला करके आई थी, ठाकुर जी उठ गए बीच में और मैया को आवाज दी, मैया मैया। पहले तो टटोला बिस्तर पे मैया होगी, लेकिन जब नहीं मिली बिस्तर पे तो आवाज दी मैया मैया, लेकिन मैया मत रही थी, साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी, मैया ने सुनाई नहीं। तो ठाकुर जी उतर के आए पलंग से और मथानी पकड़ लिया करके, तो मैया का मथना रुक गया। अब मैया कैसे मथे, छोटे से कोमल कोमल हाथ है, मोच वोच आ जाए तो खैर मैया दूध पिलाने के लिए गोद में लेके बैठ गई ठाकुर जी को और दूध पिलाने लगी। ठाकुर जी दूध पीने लगे, मैया बड़े प्यार से अपने लाल का मुख निहारती जा रही है, ठाकुर जी भी बीच बीच में से आंचल में से मुंह निकाल के मैया की ओर देख के मुस्कुराते हैं। इस प्रकार मैया दूध पिला रही थी और ठाकुर जी दूध पी रहे थे। इतने में मैया ने क्या देखा कि अंगीठी पर दूध चढ़ा रखा था मैया ने, पद्मगंधा गाय का, उसी का दूध ठाकुर जी पी लेते थे, उस गाय का दूध, तो बड़ा इंपॉर्टेंट दूध था, उसमें उफान आ रहा था। मैया ने कहा, अरे दूध तो गिर जाएगा, तो लाला पिएगा क्या? तो ठाकुर जी को मैया ने अलग किया जबरदस्ती और जल्दी से बिठा के जमीन पे, और मैया गई दौड़ती हुई वो दूध का भगोना नीचे रखने के लिए। अब ठाकुर जी को बड़ा गुस्सा आया कि हम दूध पी रहे थे और हमको जबरदस्ती अलग करके और बिठा करके चली गई, दूध इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। तो मैया तो वहां दूध उतार रही थी, इधर ठाकुर जी ने क्या किया कि एक लोढ़ा लेकर के वो जो मटकी के नीचे मैया ने लगा रखा था मटकी का बैलेंस करने के लिए, उसको निकाला अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से खींच के, और निकाल करके उसको उठाया और पूरी ताकत से धड़ाम, और भड़ाम के शब्द के साथ वो मटका फूट गया, यानी वो जो मथ रही थी मैया उस पे मारा उन्होंने गुस्से में। अब सारा वो छाछ और मक्खन सब फैल गया। अब ठाकुर जी ने कुछ क्षण तो उसको देखते रहे, उनको लगा ये मैंने गलत काम किया है, अब मैया दंड देगी मुझे, तो उसी में छपाक छपाक करते हुए भागे छिपने के लिए। लेकिन गुस्सा भी था उनको बहुत मैया के ऊपर, तो उस कमरे में पहुंचे जहां मैया सब मक्खन वक्खन रखती थी अपना टांग करके, और वहां जाकर के एक उखल पड़ा हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा मैया को पता नहीं चलेगा मैं यहां हूं, भोले भाले भोंदू भट्ट तो छोटे से हैं ही हैं, उनको पता ही नहीं कि वो जो छाछ में उनके चरण पड़े थे छपाक छपाक करते हुए आए हैं, उससे निशान पड़ गए चरणों के, तो मैया के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि कहां गया लाला ढूंढने में।
और ठाकुर जी ने वहां जाकर के क्या किया कि एक उखल पड़ा था उसको उल्टा किया और उसके ऊपर चढ़ गए और मटकी पकड़ी एक हाथ से मक्खन की और उसमें से बासी मक्खन निकाल निकाल के खाने लगे और बंदर भी आ गए वहां पर। ये सारे पशु पक्षी ये सब जहां ठाकुर जी होते थे वहीं लगे रहते थे ठाकुर जी के साथ साथ ही, तो अपना बंदरों को खिलाते जा रहे हैं ठाकुर जी, लोंदा बना बना के देते जा रहे हैं और बंदर अपना ले लेके खाते जा रहे हैं। अब मैया जब वापस आई दूध उतार करके, उसने ये सब सीन देखा तो समझ गई कि लाला को गुस्सा आया, उसने गुस्से में ऐसा किया है। मैया को हंसी आई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, इसकी आदत, मेरा लाला तो बिगड़ जाएगा इस तरह से, बुढ़ापे में तो एक लाला पैदा हुआ उसके अंदर ये सब गंदी आदतें आ जाएं, शासन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैया ठाकुर जी को केवल अपना लाला मानती थी, उसके मन में तो कोई और ये भावना थी ही नहीं स्वप्न में कि मेरा लाला भगवान है या कोई उसमें अलौकिक शक्ति है। जब ठाकुर जी गाय चराने जाते थे तो मैया रोज ठाकुर जी को बुलाती थी और रोज समझाती थी जाते समय, जब कभी कोई जंगली जानवर आ जाए सामने तो डरना नहीं, अच्छा हाँ मैया नहीं डरूंगा, और देख लाला उस समय नारायण का ध्यान करना, वो रक्षा करेंगे। हिंस्रान वीक्ष पुरह पुराण पुरुषम नारायणम ध्यास्यसि, नारायण का ध्यान करना, कोई सामने जंगली जानवर आ जाए तो, समझ गया ना। ठाकुर जी भी भोले भाले बन करके अपना, और जैसे हल्का सा भय आ गया हो आंखों में, हाँ मैया नारायण का ध्यान करूंगा, डेली ठाकुर जी को ये समझा के भेजती थी मैया। यानी उसे तो कोई स्वप्न में भगवत्ता की फीलिंग तो ठाकुर जी के प्रति है नहीं, तो मैया कहती है ये बड़ा ऊधमी हो गया है, इसका सुधार करना जरूरी है, नहीं तो ये गंदी आदतें बढ़ती जाएंगी इसके अंदर। तो मैया ने एक पतली सी सांटी ली, कोई बड़ा डंडा नहीं, पतली सी सांटी जरा सी सी, सब माएं बच्चे के लिए लेती हैं, मोटा डंडा नहीं लेती कोई मां, क्योंकि प्यार तो है ही है बच्चे से, कोई दुश्मनी तो है नहीं बच्चे से, लेकिन खाली डराने के लिए डंडा वंडा लेती हैं कि बच्चे में कोई गंदी आदत ना आए, तो पतला सा जरा सा डंडा लेती हैं। तो मैया ने लिया और मैया वो सांटी हाथ में लेके ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखती देखती वहां पहुंच गई जहां पे ठाट से आप अपना बंदरों को मक्खन खिला रहे थे।